क्या इंडियन फुटबॉल टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंच सकती है एएफसी एशियन कप के? एंड अगर एएफसी एशियन कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचना है इंडिया ने, तो कितने मैचेस इंडियन फुटबॉल टीम को जीतने पड़ेंगे ग्रुप स्टेजेस में टू प्रोग्रेस इन द राउंड ऑफ 16? एंड क्या इगोर स्टीमैच के पास एक प्लान है इस टीम को राउंड ऑफ 16 में पहुंचाने के लिए? एंड कब इगोर स्टीमैच अपना फाइनल स्क्वाड रिलीज करेंगे जो कि एएफसी एशियन कप में कम्पीट करेगा अगले मंथ से? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो हम सबको पता है कि ज़्यादा दिन नहीं रह गए अब अनटिल द स्टार्ट ऑफ एएफसी एशियन कप। कुछ 16-17 डेज रह गए हैं एएफसी एशियन कप के स्टार्ट होने में, एंड अभी तक हमारा स्क्वाड जो है फाइनल इंडियन फुटबॉल टीम का वो रिलीज नहीं हुआ है। तो उस पर एक अपडेट आई है कि इगोर स्टीमैच देख रहे हैं अभी एक दो प्लेयर्स को, जैसे कि सहाल अब्दुल समद को, कि उनकी इंजरी की क्या सिचुएशन है अभी, क्या वो प्रोग्रेस वेल कर रहे हैं, क्या उनको स्क्वाड में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या वो फिट हो पाएंगे क्रूशल मैचेस में हमारे। ऐसे दो तीन प्लेयर्स हैं जिनको लेके अभी काफ़ी कंसर्न्ड है इगोर स्टीमैच, जिसकी वजह से जो हमारा फाइनल स्क्वाड रिलीज है वो थोड़ा लेट हो रहा है। बट माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में, मतलब 2-3 दिनों में हमारा स्क्वाड रिलीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट उसमें देखने वाली बात अब ये होगी कि कौन हमारा फाइनल 26 मेंबर्स के स्क्वाड में आ पाता है। 26 मेंबर्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एएफसी की जो गाइडलाइन है वो 23 मेंबर्स है, उन्होंने 26 मेंबर्स तक शिफ्ट कर दी है। एक टीम में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26 प्लेयर्स तक डाल सकते हो। तो पहले प्रोविजन ये होती थी कि 23 मेंबर्स आते थे स्क्वाड में किसी भी टीम की, किसी भी कंट्री की, तो अब आप 26 तक अपनी कंट्री के प्लेयर्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो कौन होंगे 26 फाइनल स्क्वाड के मेंबर्स हमारे, वो कुछ दिनों में पता चल जाएगा अगले। बट कितने मैचेस हमको जीतने पड़ेंगे राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में पहुंचना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एज एन इंडियन फुटबॉल फैन एंड एज एन इंडियन फुटबॉल टीम। क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ कंपीट करने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे जीतने भी जा रहे हो। एंड अगर देखा जाए रियलिस्टिकली तो ये हमारा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम अपनी टीम इंडिया को फेवरेट नहीं मान रहे काफ़ी सारे लोग, एज एन इंडियन ऑडियंस भी, कि हम राउंड ऑफ 16 में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम राउंड ऑफ 16 में नहीं पहुंचेंगे। बट राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए इंडिया को उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड सीरिया, इन तीनों में से किसी ना किसी एक के अगेंस्ट विन दर्ज करनी पड़ेगी। चाहे वो अपने पहले मैच में ही हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दर्ज कर लें, चाहे हम सेकंड मैच में उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट कर लें, या फिर चाहे हम सीरिया के अगेंस्ट कर लें, बट तीनों में से किसी एक टीम के अगेंस्ट हमारे को विन लेनी पड़ेगी टू प्रोग्रेस इनटू द राउंड ऑफ 16। क्यों? क्योंकि टॉप टू जो टीम्स होंगी हर ग्रुप में वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए, बट जो बाकी चार टीम्स होंगी वो बेस्ट थर्ड प्लेस फिनिश वाली जो चार टीमें होंगी उसमें से आएंगी। तो अगर इंडिया अपना जो ग्रुप की पोजीशन है अगर वो थर्ड पे फिनिश करती है, एंड अगर हम एक मैच जीते होंगे अगेंस्ट सीरिया या अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान, अगर हम एक मैच जीत गए तो हमारे जो चांसेस हैं राउंड ऑफ 16 में एज अ बेस्ट थर्ड प्लेस टीम वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड की टीम तो पहुँचेगी पहुँचेगी राउंड ऑफ 16 में, बट इंडिया भी पहुँच सकती है थर्ड फिनिश पे अगर हम करें इस ग्रुप में। अगर हम थर्ड फिनिश करते हैं एंड अगर हम एक मैच जीते होते हैं तो हम राउंड ऑफ 16 में पहुंच सकते हैं काफ़ी आसानी से। बट इट विल नॉट बी एन इजी टास्क, क्योंकि उज़्बेकिस्तान का कल फ्रेंडली मैच हुआ था अगेंस्ट किर्गिस्तान, एंड वहां पे उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल विन, इम्प्रेसिव विन दर्ज करी है फ्रेंडली मैच में अपने किर्गिज रिपब्लिक के अगेंस्ट, वो भी 4-1 से। तो उज़्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, सॉकर का मैच है ये, फुटबॉल का मैच है, कुछ भी हो सकता है ऑन द गिवन डे। हम ऑस्ट्रेलिया को एक ड्रॉ पे भी रोक सकते हैं, उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट जीत भी सकते हैं। यू कैन नॉट रूल इंडियन फुटबॉल टीम टोटली आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन अनटिल द 90th मिनट और अनटिल द फाइनल विसल ऑफ एवरी गेम। बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा ये। बट इगोर स्टीमैच की अगर मैं प्लान की बात करूँ तो AIFF ने ट्रेवर सिंक्लेयर, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड इंटरनेशनल प्लेयर है, फॉर्मर वेस्ट हैम के प्लेयर हैं, फॉर्मर
मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर रह चुके हैं सिंक्लेयर, उनको एज अ सेट पीस स्पेशलिस्ट एंड एज अ विंग प्ले स्पेशलिस्ट उनको हमारी टीम के साथ भेजा जा रहा है, जो कि एएफसी एशियन कप के वो स्टाफ में हमारे रहेंगे एंड अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे प्लेयर्स के साथ, एक ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे उनके साथ, तो एक ऑल टुगेदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेवर सिंक्लेयर से हमारे प्लेयर्स को। एंड इगोर सीमैच की भी डिमांड थी कि मेरे को ट्रेवर सिंक्लेयर चाहिए है जो कि सेट पीस स्पेशलिस्ट है, एंड इगोर सीमैच नो हिज बॉल, क्योंकि उनको भी पता है कि इन तीनों ऑपोजिशंस के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान एंड सीरिया हमको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे, तो जितने भी हमारे को चांसेस मिले, चाहे एक मिले चाहे दो मिले चाहे तीन चांसेस मिले, हमको वो बरी करने पड़ेंगे गोल में, वरना हम इन तीनों टीम्स से हार सकते हैं। तो जितने भी उन्होंने ये अपॉइंटमेंट करी है AIFF ने काफ़ी एक सोची समझी उनकी स्ट्रेटजी है, एंड इगोर सीमैच के कहने पर है ये, तो काफ़ी इगोर सीमैच को पता है कि हमारे को पोजेशन इतनी नहीं मिलेगी चाहे तीनों मैचेस में, बट हमको जो चांसेस मिलेंगे हमने उनको गोल में तब्दील करना है, एंड आई थिंक कि रियलिस्टिक होकर चल रहे हैं इगोर सीमैच। एंड जो फ्रेंडली नहीं है हमारा, स्टिल अगर हमारे पास देखा जाए तो अच्छे से 9-10-11 दिन का हमारे पास ट्रेनिंग कैंप होगा, जिसके बाद हम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं AFC एशियन कप में। एंड हमारे पास ठीक है इंजरी इश्यूज भी हैं, हमारे कुछ अनवर अली नहीं है, हमारे पास सहाल की अभी इंजरी पे अपडेट आनी बाकी है कि वो ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंट अपडेट उन्हीं के इंजरी के ऊपर आया है, बट दिस इंडियन टीम कैन गो टू राउंड ऑफ 16 एज अ थर्ड प्लेस टीम एज वेल। अगर हम सेकेंड पे नहीं फिनिश कर रहे, फर्स्ट पे नहीं फिनिश कर रहे, ओके नथिंग बैड एट ऑल, बट अगर हम थर्ड पे फिनिश करके भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच रही है तो वो विन विन सिचुएशन मैं मानूंगा इस टीम इंडिया के लिए। तो डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन के क्या प्रेडिक्शंस है आपकी, राउंड ऑफ 16 में हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इस ग्रुप में कौन सी पोजीशन पे फिनिश करेंगे, फर्स्ट पे सेकंड पे थर्ड पे या फोर्थ पे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।